हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस ये टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम उसमें सेवंथ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। वैसे इसके पहले हमने ऑलरेडी इसके सिक्स प्रॉब्लम्स किए थे और भी नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने इसके पहले किए थे, जिसमें हमने सबसे पहले फोर्सेस और फोर्स सिस्टम के बारे में बताए थे और हमने एक स्पेशल वीडियो बनाए थे जिसमें इंक्लाइंड फोर्सेस को कैसे डिफरेंट डिफरेंट वे से रिजोल्व करना वो हमने बताए थे। तो अगर आपने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक्स अगर नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस ये टॉपिक में सेवन प्रॉब्लम स्टडी करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए, क्वेश्चन रहेगा फाइंड द रिजल्टेंट फॉर द गिवन फोर्स सिस्टम, ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन एंड पोजिशन, और डायग्राम क्या रहेगा वो देखिए। तो देखिए डायग्राम आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमने आपको क्वेश्चन बताए थे कि फाइंड द रिजल्टेंट फॉर द गिवन फोर्स सिस्टम, ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन एंड पोजीशन। इसका मतलब ये पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट का मैग्नेटिव डायरेक्शन पोजीशन हमें फाइंड आउट करना है और ये सेवंथ प्रॉब्लम है। इसके पहले हमने ऑलरेडी सिक्स प्रॉब्लम्स लिए थे, वो सभी सिक्स प्रॉब्लम आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो आइए ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी हम वही रूल्स का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले बताए थे। तो सबसे पहले हमें तीन स्टेप्स के थ्रू हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो हम इसको R से शो करेंगे। R R माने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसका फॉर्मूला है R इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। इसके थ्रू हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ निकाल सकते हैं। ये अंडर रूट के अंदर हमें इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुटअप करना है और देन हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के बाद मिल जाएगा। देन सेकंड स्टेप होता है टू फाइंड द डायरेक्शन, इट मीन्स हमें थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला हमने जो बताए थे इसके पहले वही है, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ, डिटर्मिनेंट में लिखना है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बाई समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये हम सॉल्व करेंगे, इसको भी हम यहाँ पे ये वैल्यूज वगैरह पुटअप करेंगे एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई का, और पुटअप करने के बाद हमें यहाँ पे थीटा मिल जाएगा। ये हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर में। तो फाइनली हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर फाइंड आउट करना है तो हमें ये स्टेप्स के थ्रू सॉल्व करना है। रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, इट मीन्स हमें ये स्टेप्स के थ्रू फाइंड आउट करना है, और लास्ट में होता है रिजल्टेंट का पोजीशन। रिजल्टेंट का पोजीशन इट मीन्स रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में है। फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं, फोर में से कोई ना कोई एक क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट रहेगा। देखिए हम बता रहे हैं, ये देखिए ये एक्स एक्सिस, ये तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस इट मीन्स एक्स एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस इट मीन्स वाई एक्सिस, और ये दोनों एक्सिस से क्वाड्रेंट्स बनते हैं। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ये बना, सेकंड क्वाड्रेंट ये बन गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट बन गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट बन गया। देखिए चार क्वाड्रेंट्स बने हैं, रिजल्टेंट चार में से कोई ना कोई एक क्वाड्रेंट में रहेगा। तो अगर रिजल्टेंट क्वाड्रेंट वन में रहेगा तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा वो भी हम पता कर सकते हैं, कैसा पता करेंगे वो भी हम बताएंगे। देखिए अगर रिजल्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, अगर रिजल्टेंट सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। देखिए एंगल हमेशा थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ शो करना है। अगर रिजल्टेंट थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ये देखिए, और अगर रिजल्टेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। चार में से कोई ना कोई एक क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन होता है पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट का साइन होता है नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट का साइन होता है नेगेटिव नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन होता है पॉजिटिव नेगेटिव। ये जहां तक आपको पता होगा ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है। तो फाइनली हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पोजिशन ये तीनों फाइंड आउट करना है। तो ये तीनों फाइंड आउट करने के लिए क्या स्टेप्स रहेंगी वो हमने आपको बता दिए हैं। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए ये स्टेप रहेंगी, अंडर रूट के थ्रू आप यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर निकाल सकते हैं। देन रिजल्टेंट का डायरेक्शन थीटा फाइंड आउट करते समय ये स्टेप्स रहेंगी, और रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड आउट करते समय आपको क्वाड्रेंट चेक करना होता है। तो उसके लिए आपको ऐसा ये चारों में से कोई ना कोई एक डायग्राम हमें ड्रॉ करके क्वाड्रेंट हमें शो करना है। लेकिन इन सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या होना वो देखिए। देखिए अगर आपको आर फाइंड आउट करना है तो आपको समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई यहां पे पुट अप करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको थीटा फाइंड आउट करना है तो भी आपको यहां समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई पुट अप करके सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर आपको पोजीशन फाइंड आउट करना है तो भी समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि आपको समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, देन हम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करेंगे। अब ये समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई क्या होता है वो भी हमने इसके पहले सब बताए थे। देखिए बता देते हैं, बिल्कुल सिंपल है। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का अर्थ है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस,
और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय तीन टाइप के फोर्सेस आपके सामने आएंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस और इंक्लाइंड फोर्सेस। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस माने वो फोर्सेस जो अलोंग द एक्स एक्सिस होते हैं पैरेलल टू द ग्राउंड, और वर्टिकल फोर्सेस माने वो फोर्सेस होते हैं जो अलोंग द वाई एक्सिस होते हैं परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, और जो इंक्लाइन फोर्सेस है वो ना ही एक्स एक्सिस के अलोंग होते हैं और ना ही वाई एक्सिस के अलोंग होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपके सामने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी आएंगे, वर्टिकल फोर्सेस भी आएंगे और इंक्लाइन फोर्सेस भी आएंगे। तो ये समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। इसका मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करते समय प्रॉब्लम में जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है सभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को जब आप ऐड करेंगे, जब आप उनका सम करेंगे, तो ऐसे समेशन को कहेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। और प्रॉब्लम सॉल्व करते समय जितने भी वर्टिकल फोर्सेस आएंगे सभी वर्टिकल फोर्सेस का जब आप समेशन करेंगे तो ऐसे समेशन को कहेंगे समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। लेकिन इंक्लाइन फोर्सेस का क्या? तो इंक्लाइन फोर्सेस को कभी भी आप सम नहीं कर सकते, इंक्लाइन फोर्सेस का डायरेक्टली समेशन नहीं होता, इंक्लाइन फोर्सेस का समेशन नहीं होता। इसलिए हम क्या करेंगे, इंक्लाइन फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इट मीन्स हम इंक्लाइन फोर्सेस के दो दो कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। वैसे इंक्लाइन फोर्सेस को कैसे डिफरेंट डिफरेंट वे से रिजॉल्व करना, इसका एक स्पेशल वीडियो हमने स्टार्टिंग में बनाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो आसानी से देख सकते हैं। वो वीडियो पूरा देखिए, थोड़ा सा लंबा है वीडियो, लेकिन आप पूरा देखिए ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि इंक्लाइन फोर्सेस को डिफरेंट डिफरेंट वे से रिजॉल्व कर सकते हैं आप, बहुत ही अलग अलग वे से रिजॉल्व कर सकते हैं, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट आपका वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो आइए फाइनली ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और देखते हैं ये प्रॉब्लम में सबसे पहले सिस्टम क्या दिया है वो देखते हैं। देखिए ये सिस्टम आपको दिया था, ये एक कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। अब ये कॉन्करेंट कोप्लैनर फोर्सेस क्या होते हैं वो भी हमने स्टार्टिंग के वीडियो में बताए थे। तो यहां पे ये एक कॉन्करेंट कोप्लैनर फोर्स सिस्टम है। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है, व्हेन ऑल द फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड एज ए कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो ये एक कॉन्करेंट कोप्लैनर फोर्स सिस्टम है। कोप्लैनर फोर्स सिस्टम भी हमने बताए थे, व्हेन ऑल द फोर्सेस लाई इन अ सिंगल प्लेन देन दैट फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड एज ए कोप्लैनर फोर्स सिस्टम। सभी फोर्सेस अगर एक सिंगल प्लेन में रहेंगे तो वो फोर्स सिस्टम को कोप्लैनर फोर्स सिस्टम कहेंगे, और अगर सभी फोर्सेस एक सिंगल पॉइंट से पास होंगे तो वो एक कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। तो ये फोर्स सिस्टम को कहेंगे कॉन्करेंट कोप्लैनर फोर्स सिस्टम। यहां पे देखिए सभी फोर्सेस एक सिंगल प्लेन में है और सभी फोर्सेस एक सिंगल पॉइंट से जा रहे हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे कॉन्करेंट कोप्लैनर फोर्स सिस्टम। तो आइए ये सिस्टम में देखते हैं कि ये सिस्टम में कितने फोर्सेस दिए हैं, इसमें से कौन से हॉरिजॉन्टल है, कौन से वर्टिकल है और कितने इंक्लाइन है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को छोड़ के जो इंक्लाइन फोर्सेस है उनको पहले आपको दो दो पार्ट में डिवाइड करना है। इंक्लाइन फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड करना, इट मीन्स उसको दो पार्ट में रिजॉल्व करना, इसको कहते हैं मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन। तो आइए यहां पे देखते हैं। तो यहां पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स सिर्फ एक है। कौन सा है, देखिए 15 न्यूटन एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो अलोंग द एक्स एक्सिस है, और वर्टिकल फोर्सेस यहां पे कोई भी नहीं है। यहां पे रिमेनिंग जो चार फोर्सेस है वो यहां पे इंक्लाइन है। टोटल यहां पे पांच फोर्सेस है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पांच फोर्सेस है, पांच में से 15 न्यूटन एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है और रिमेनिंग चारों जो है वो इंक्लाइन है। और इंक्लाइन फोर्स का क्या करना पड़ता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताए थे, इंक्लाइन फोर्स को आपको दो दो पार्ट में डिवाइड करना है, इट मींस उसको दो पार्ट में रिजॉल्व करना है, इसको कहते हैं मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। इंक्लाइन फोर्स को दो पार्ट में क्यों रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि इंक्लाइन फोर्सेस का डायरेक्टली समेशन नहीं होता, इसलिए उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट एक वर्टिकल पार्ट, ऐसे उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बाद में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का समेशन होता है। तो आइए यहां पे हम इंक्लाइन फोर्सेस को दो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो अगर आपको इंक्लाइन फोर्स को दो दो पार्ट में डिवाइड करना है तो देखिए ये जो पहले 20 न्यूटन इंक्लाइन फोर्स है हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 20 न्यूटन चेक करो कि ये आउटवर्ड है या इनवर्ड है, क्योंकि अगर फोर्स आउटवर्ड है तो उसके दोनों कंपोनेंट्स भी आउटवर्ड हो जाएंगे। तो ये देखिए 20 आउटवर्ड है, पॉइंट से दूर जा रहा है, तो इसके दोनों कंपोनेंट्स भी आउटवर्ड हो जाएंगे इस तरह से। ये देखिए ये इस तरह से ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 को चेक करिए, 25 आउटवर्ड है या इनवर्ड है, अगर आउटवर्ड है तो दोनों कंपोनेंट्स आउटवर्ड, और अगर इनवर्ड है तो दोनों कंपोनेंट्स इनवर्ड। तो देखिए फिलहाल ये जो 25 है ये आउटवर्ड है, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो इसके दोनों कंपोनेंट्स भी ऐसे आउटवर्ड हो जाएंगे ऐसे, ठीक है।
उसी तरह से यहाँ पे 10 न्यूटन चेक करिए, 10 न्यूटन इंक्लाइंड है, 60 डिग्री से इंक्लाइंड है, ये आउटवर्ड है या इनवर्ड है चेक करो। तो ये जो 10 न्यूटन है ये आउटवर्ड है, पॉइंट से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द पॉइंट, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, तो इसके दोनों कंपोनेंट्स भी आउटवर्ड हो जाएंगे, तो ये हमने आउटवर्ड दे दिए। उसी तरह से ये 10 न्यूटन को चेक करो नीचे का, ये भी आउटवर्ड है, तो इसके दोनों कंपोनेंट्स भी आउटवर्ड हो जाएंगे। तो फाइनली हमने इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करते समय सभी इंक्लाइंड फोर्सेस के हमने डायरेक्शंस पहले दे दिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। और अब हम इंक्लाइंड फोर्स में साइन कॉस लिखेंगे। देखिए साइन कॉस लिखने का हमने टेक्निक बताए थे, जो साइड में एंगल वो साइड में कॉस, जहां एंगल वहां कॉस। कोई भी इंक्लाइंड फोर्स जब इंक्लाइंड होता है तो उसका कुछ ना कुछ एंगल दिया होता है, अगर एंगल नहीं दिया है तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए कुछ ना कुछ दिया होता है। देखिए यहाँ पे जितने भी इंक्लाइंड फोर्सेस है सभी इंक्लाइंड फोर्सेस का एंगल दिया है। यहाँ पे ये जो 20 न्यूटन इंक्लाइंड फोर्स है ये 30 डिग्री से इंक्लाइंड है, और ये एंगल ऐसा हॉरिजॉन्टल साइड के साथ एंगल है, इट मीन्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एंगल है। ये जो 25 न्यूटन इंक्लाइंड है ये 30 डिग्री से इंक्लाइंड है, और इसका एंगल जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग एंगल दिया है वर्टिकल साइड के साथ। और इधर रिमेनिंग 10 और 10 जो नीचे इंक्लाइन है यहां पे भी 30 और 60 का एंगल दिया है, और वो दोनों एंगल एक्स एक्सिस के अलोंग एंगल दिया है। तो फाइनली यहां पे जितने भी इंक्लाइंड फोर्सेस है सभी इंक्लाइंड फोर्सेस का एंगल हमने चेक कर लिए, और अब हमें इंक्लाइंड फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। तो रिजॉल्व करते समय हमने जो बताए थे, जो साइड में एंगल वो साइड में कॉस, जहां एंगल वहां कॉस। हॉरिजॉन्टल साइड के साथ एंगल है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस, और अगर वर्टिकल साइड के साथ एंगल है तो वर्टिकल कंपोनेंट कॉस। एक साइड में कॉस लिखने का तो दूसरे साइड में साइन लिखने का। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। 20 न्यूटन का एंगल देखिए, 30 डिग्री का एंगल है, ये जो एंगल है ऐसा हॉरिजॉन्टल साइड के साथ एंगल है, इधर एक्स एक्सिस के साथ एंगल है। तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखेंगे कॉस और वर्टिकल कंपोनेंट लिखेंगे साइन। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 20 कॉस ऑफ 30 और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 20 साइन ऑफ 30। तो इस तरह से हमने ये 20 को दो पार्ट में यहाँ पे रिजॉल्व कर लिए। बिल्कुल उसी तरह से हमें ये 25 को भी दो पार्ट में रिजॉल्व करना है। इसका एंगल चेक करो, देखो 30 डिग्री का एंगल है, ऐसा वर्टिकल साइड के साथ एंगल है, वाई एक्सिस के अलोंग एंगल है। तो हम क्या करेंगे, इसका वर्टिकल कंपोनेंट लिखेंगे कॉस और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखेंगे साइन, क्योंकि वर्टिकल साइड के साथ एंगल है। तो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया 25 कॉस ऑफ 30 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया 25 साइन ऑफ 30। देखिए जो साइड में एंगल वो साइड में कॉस। तो हमें यहां पे एक मिनट ये अच्छे से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो 25 न्यूटन इंक्लाइन फोर्स है इसका एंगल 30 डिग्री है, ऐसा वर्टिकल साइड के साथ एंगल है। तो वर्टिकल कंपोनेंट हमने कॉस 30 लिख लिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साइन 30। जो साइड में एंगल वो साइड में कॉस। अगर आपको वर्टिकल का एंगल यूज नहीं करना है, इसका मतलब अगर आपको वर्टिकली कॉस नहीं लिखना है तो आपके पास एक और उपाय है। अगर आपको वर्टिकल का एंगल यूज नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप चाहे तो हॉरिजॉन्टल का एंगल यूज कर सकते हैं। अगर ये वर्टिकली 30 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टली एंगल बन जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में 90 होता है, 90 में से अगर 30 माइनस करेंगे तो नीचे का एंगल बचेगा 60। तो अगर आप 60 का यूज करेंगे तो हॉरिजॉन्टली आप 25 cos 60 और वर्टिकली आप 25 sin 60 लिख सकते हैं। उससे भी आंसर वही आता, इससे भी आंसर वही आता। अब ये चॉइस आपकी है, या तो हॉरिजॉन्टल का एंगल फाइंड आउट करके उसको रिजॉल्व करो, या तो वर्टिकल जो एंगल दिया है वही लेके आप उसको रिजॉल्व करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर एक ही आएगा। तो फाइनली हमने दोनों को यहां पे रिजॉल्व कर लिया है। अब उसी तरह से यहां पे 10 न्यूटन को भी दो पार्ट में हम रिजॉल्व करेंगे। इसका एंगल देखिए 60 डिग्री का एंगल है, ऐसा हॉरिजॉन्टल साइड के साथ एंगल है, एक्स एक्सिस के अलावा एंगल है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखो cos 60 और वर्टिकल कंपोनेंट लिखो sin 60। तो ये हम लिखेंगे 10 cos of 60 डिग्री और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया 10 sin of 60 डिग्री। उसी तरह से यहां पे ये जो 10 है ये 30 डिग्री से इंक्लाइन है, इधर एक्स एक्सिस के अलावा एंगल है, हॉरिजॉन्टल साइड के साथ एंगल है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखो cos 30 और वर्टिकल कंपोनेंट लिखो sin 30। तो ये हो गया 10 cos of 30 डिग्री और ये हो गया 10 sin of 30 डिग्री। तो फाइनली हमने सभी इंक्लाइन फोर्सेस को दो दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, इट मींस सभी इंक्लाइंड फोर्सेस को हमने रिजॉल्व कर लिए। और अब हमें सॉल्व करना है और हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन, हमें तीनों चीजें फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए क्या स्टेप्स होती है वो यहां पे हमने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालना है, इट मींस आर फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन निकालना है, इट मींस थीटा फाइंड आउट करना है, और पोजीशन हमें यहां पे फाइंड आउट करना है, इट मींस हमें क्वाड्रेंट चेक करना है। लेकिन उन सबके लिए सबसे पहले आपको समेशन ऑफ f(x) f(y) चाहिए। तो आइए सबसे पहले समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई निकाल लेते हैं। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने क्या, हमने स्टार्टिंग में बताए थे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। इसका मतलब अब यहां पे जितने भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस है सभी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस को हमें ऐड करना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे। तो देखिए समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उनको आप ऐड करो। लेकिन समेशन करते समय एक छोटा सा रूल है,
है, रूल ऐसा है कि राइट साइड जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है, राइट साइड जाने वाले प्लस तो लेफ्ट साइड जाने वाले माइनस। तो आइए यहां देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पहले तो कितने हैं, पहले वो काउंट करो, और कौन राइट साइड जा रहा है कौन लेफ्ट साइड जा रहा है वो आप चेक करो। तो यहां पे पांच हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, देखिए ये नंबर वन, ये नंबर टू, ये नंबर थ्री, ये नंबर फोर, ये नंबर फाइव, यहाँ पे टोटल पांच फोर्सेस हैं। पांच में से ये हॉरिजॉन्टल, ये 20 cos 30 राइट साइड जा रहा है तो ये प्लस मिलेंगे, 25 sin 30 राइट साइड जा रहा है तो इसको भी प्लस मिलेंगे, 10 cos 60 लेफ्ट साइड जा रहा है तो ये माइनस मिलेंगे, 15 लेफ्ट साइड जा रहा है तो ये भी माइनस मिलेंगे, और 10 cos 30 लेफ्ट साइड जा रहा है तो इसको भी माइनस मिलेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 20 cos ऑफ 30 प्लस 25 sin ऑफ 30 माइनस 15 माइनस 10 cos ऑफ 60 माइनस 10 साइन ऑफ 10 कॉस ऑफ 30 हो जाएगा ये, और कैलकुलेटर में हम इसको पुटअप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.16 न्यूटन। तो फाइनली हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लिए, और अब हम समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, इसमें इसका मतलब यह है कि यहाँ जितने भी वर्टिकल फोर्सेस है सभी को आपको ऐड करना है। तो चेक करो यहाँ कितने वर्टिकल फोर्सेस है, काउंट करो और वर्टिकल फोर्सेस को ऐड करो। तो वर्टिकल फोर्सेस यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये एक, नंबर वन, ये नंबर टू, ये नंबर थ्री और ये नंबर फोर, टोटल चार फोर्सेस है, चारों फोर्सेस को आप ऐड करो। लेकिन वर्टिकल फोर्सेस को ऐड करने के लिए भी एक रूल है, रूल ऐसा है कि वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है, ऊपर जाने वाले प्लस तो नीचे आने वाले माइनस। तो आइए देखते हैं, ये देखिए 25 cos 30 ये ऊपर जा रहा है इसको प्लस मिलेंगे, तो ये लिखेंगे 25 cos ऑफ 30। देन ये देखिए 20 साइन ऑफ 30 ये भी ऊपर जा रहा है तो इसको भी हम प्लस लेंगे, 20 साइन ऑफ 30। देन यहाँ पे 10 साइन ऑफ 60 ऊपर जा रहा है तो इसको हम प्लस मिलेंगे, प्लस 10 साइन ऑफ 60। और लास्ट में ये 10 साइन ऑफ 30 ये नीचे आ रहा है तो इसको हम लिखेंगे माइनस में, तो ये हो गया माइनस 10 साइन ऑफ 30। और कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 35.31 न्यूटन। तो फाइनली हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई निकाल लिया है, और अब ये दोनों का वैल्यू जो है वो यहाँ पुट अप करो तो हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो यहाँ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माने 1.16 का स्क्वायर, और एफ ऑफ वाई स्क्वायर माने 35.31 का स्क्वायर, और इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 35.329 न्यूटन। तो ये हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पे मिल गया। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड के बाद हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, थीटा दैट इज टैन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ वाई बाय एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई है 35.31 और एफ ऑफ एक्स है 1.16। ये देखिए ये जो दोनों वैल्यूज है वो हम यहां लिख रहे हैं तो इसका आंसर आएगा 88.11 डिग्री। तो फाइनली हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई फाइंड आउट कर लिया है, और ये फाइंड आउट करने के लिए हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई की जो दो वैल्यूज है उनका यूज करके हमने यहाँ पुटअप किए तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया, यहाँ पुटअप किए तो हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन इट मीन रिजल्टेंट का एंगल थीटा मिल गया। और अब हमें रिजल्टेंट का पोजिशन फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट का पोजिशन फाइंड आउट करना है। ये देखिए यहाँ पे पोजिशन के लिए हमने क्वाड्रेंट चेक करना है, ये हमने ऑलरेडी बता दिए थे। तो आइए यहाँ पे पोजिशन हम इसका फाइंड आउट करेंगे, इट मीन उसका क्वाड्रेंट चेक करेंगे। देखिए चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, चार में से कोई ना कोई एक में रिजल्टेंट रहेगा, तो वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आपको समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई का साइन चेक करना है, आपको देखना है कि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई का आंसर क्या है। तो ये देखिए इसका समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर ये 1.16 है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का आंसर भी प्लस में है, इट मींस ये भी आंसर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव, एफ ऑफ वाई पॉजिटिव, प्लस प्लस, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अगर प्लस प्लस है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब रिजल्टेंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि हर क्वाड्रेंट का अपना अपना साइन होता है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई पॉजिटिव पॉजिटिव है, इट मींस रिजल्टेंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब हमें ये डायग्राम ड्रॉ करना है, तो रिमेनिंग डायग्राम्स को हम यहाँ से मिटा देंगे और ये डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे और हम अच्छे से सिस्टमेटिक यहाँ पे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे सिस्टमेटिक लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बोथ आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, देयर फोर रिजल्टेंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा हम लिखेंगे। और अब हम यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमने आपको बताए थे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हम रिजल्टेंट शो करेंगे और यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखेंगे 35.31329 एक मिनट 35.31
329 न्यूटन, और यहाँ एंगल थीटा लिखेंगे जो हमने फाइंड आउट किए थे 88.11 डिग्री। और ये डायग्राम जो है आपको फ्री हैंड ड्रॉ करना है, यहाँ पे प्रोटेक्टर का यूज करके एंगल मेजर करके आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल फ्री हैंड ड्रॉ करो। तो फाइनली इस तरह से ये हमने पोजीशंस फाइंड आउट कर लिए। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट है 35.329, पूरे सिस्टम का ये जो रिजल्टेंट है ये इतना डिग्री से इंक्लाइंड है और इसका वे ऑफ एक्शन ऐसा है, इट मीन 35.329 ये रिजल्टेंट ये ऐसा जाएगा। तो फाइनली इस तरह से हमने मेथड ऑफ रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन का ये 7th प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। वैसे इसके पहले हमने ऑलरेडी इसके 6 प्रॉब्लम्स किए थे और भी नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने इसके पहले लिए थे। तो अगर आपने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक्स अगर नहीं स्टडी किए हैं तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोज देख सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, इसके आने वाले वीडियोज में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आज आप इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।